और सभी समाज सभी वर्गों के लिए जहाँ कहीं भी मुझे लगता है जिस तरह से डॉक्टर साहब संघर्ष करते हैं, डॉक्टर साहब लोगों की सेवा में रहते हैं, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्हीं की लकीर को आगे बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। छोड़ जाए पार्टियां मुझे मौका नहीं दे रही। तो गाइज आप सभी भाइयों ने सुन लिया होगा कि भाई नरेश मीणा के अंदर कैसा दर्द झलक रहा है। जहां से डॉक्टर साहब ने अपनी राजनीति स्टार्ट की थी वहीं पहुंचकर भाई नरेश मीणा ने अपना लोगों के बीच में दर्द बताया कि 20 साल से मैं राजनीति के अंदर हूं और ना पार्टी मुझे टिकट दे रही है और मुरारी लाल मीणा 3 बार बोल चुका है कि मैं टिकट नहीं लूंगा, उसके बाद में टिकट लिया जा रहा है और पार्टी दे रही है और दे दिया है। ऐसे में मैं क्या करूं, छबड़ा से टिकट मांगा तो छबड़ा से भी नहीं मिला और अब दौसा से मांगा तो दौसा से भी नहीं मिला, पार्टी मेरे साथ खेल खेल रही है। ऐसे में पब्लिक का मुझे प्यार एंड सपोर्ट चाहिए, तो पब्लिक का कितना प्यार एंड सपोर्ट है वो कमेंट करके पब्लिक बताई देती है भाई नरेश मीणा के साथ में, क्योंकि भाई नरेश मीणा भी डॉक्टर साहब के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं वैसे ही भाई नरेश मीणा है। अब आखिरकार देखते हैं इस बार भाई की राजनीति खत्म होती है या उसे जीत दिलाती है। पब्लिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना और नरेश मीणा ने जो कहा वो ठीक है या गलत बताना। राम राम।